सत्संग जी, बड़े प्यार से कहना धनंकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निरंकारी सॉन्ग पर। दास गोल्डी अरोड़ा। सत्संग जी, गुरु पर विश्वास बहुत ज़्यादा जरूरी है। सत्संग जी विश्वास वालों के ही बेड़े पार होते हैं। तो सत्संग एक छोटी सी कहानी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो सत्संग एक बार एक गाँव के पास एक महात्मा रहा करते थे, उनकी कुटिया थी। तो सत्संगत क्या होता है, उस गांव में काफ़ी समय से बारिश नहीं होती और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है, और गर्मी के कारण सारी फसलें जल जाती हैं और तालाबों में पानी भी सूख जाता है, यानी कि गर्मी से बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है सभी को। तो सारे गांव वाले मिलकर उस महात्मा के पास आते हैं कि महात्मा जी, बारिश करवाइए, आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए, कृपा कीजिए आप हम पर, और बारिश ज़रूर हो जाए, नहीं तो यहाँ इस गांव में अकाल पड़ जाएगा और हमारी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। तो सत्संगत उन्होंने कहा, चलो ठीक है कि बारिश हो जाएगी, आप चिंता मत करो, आप कल सही 4 बजे बारिश होगी और 4 बजे से 15 मिनट पहले मेरे पास यहीं आ जाना कुटिया में सारे। तो सत्संगत उन्होंने कहा, ठीक है महाराज, हम सारे गांव वाले आपके पास आ जाएंगे। तो सत्संगत उन्होंने आना शुरू कर दिया, कोई 20 मिनट पहले आ रहा है, कोई 25 मिनट पहले आ रहा है, 15 मिनट होने से पहले पहले सारे वहाँ बाबा जी के पास, उनके पास, गुरु के पास पहुँच गए, उन महात्मा के पास पहुँच गए। तो सत्संगत, लेकिन उनमें से एक जो शख्स था वो जब 10 मिनट रहते थे 4 बजने में, तब पहुँचा और उसके हाथ में छाता था। तो सत्संगत उन महात्माओं ने कह दिया कि बारिश नहीं होगी, क्योंकि आपको विश्वास नहीं है। अगर आपको विश्वास होता तो आप इसी महात्मा की तरह सब छाता लेकर आते। जब तक आप पर, गुरु पर आपको विश्वास नहीं है, गुरु की कही हुई बात पर विश्वास नहीं है, तो आपका काम नहीं हो सकता, आपकी कोई अरदास पूरी नहीं होगी। सत्संग जी, विश्वास बहुत ज़रूरी है। तो सत्संग, हम यही अरदास करते हैं कि हमारा विश्वास हमेशा बना रहे सतगुरु पर, सतगुरु की कही हुई बात पर हमारा विश्वास अडोल, अडिग और टिकाऊ रहे। सत्संग, हम उस पर टिक पाएँ, उस पर मान पाएँ, यही अरदास है। सत्संग जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना धनंकार जी।